हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लेरन ब्रांड के डुअल टावर स्पीकर का डिटेल पे ऑडियो टेस्ट। दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट में हमने इस मॉडल की डिटेल पे आपको अनबॉक्सिंग वीडियो दे दी है। अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। दोस्तों आज हम इन टावर स्पीकर का काफी डिटेल पे ऑडियो टेस्ट करेंगे, इंडोर पे टेस्टिंग देंगे, इसका बेस टेस्ट करेंगे एंड लास्ट में दोस्तों इसका आउटडोर पे भी साउंड टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि यार ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना बढ़िया हमें मिल जाता है। वैसे दोस्तों अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 12,500 रुपीज। अगर आपको ये टावर स्पीकर को परचेज करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीसी मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप पीसी मीडिया से कॉन्टैक्ट करके इस स्पीकर को परचेज कर सकते हैं। साथ में दोस्तों इस स्पीकर का टोटल पावर आउटपुट 100 वॉट्स आरएमएस का है। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो इस पर हमें ब्लूटूथ, यूएसबी, ऑक्स, एफएम रेडियो ये सब की कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ में दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें वायरलेस माइक का भी सपोर्ट मिल जाता है एंड हम वाइड वाले माइक को भी इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों हमें 8-8 इंच के 2 वूफर भी इस पर मिल जाते हैं, 4-4 इंच के मिड रेंज ड्राइवर मिलते हैं एंड 2.5 इंच के हमें ट्यूटर मिल जाते हैं। सो सबसे पहले दोस्तों इसकी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि यार अगर आप लोग म्यूजिक लिसनर हैं तो इस टावर स्पीकर में किस तरीके का परफॉर्मेंस हमें मिलेगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को मैं काफी टाइम बाद लेकर आ रहा हूं, मैंने इसका बर्निंग पीरियड पूरा कंप्लीट कर दिया है, सो परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल क्लियर पता लगेगा। बस आपको क्या है कि अपने हेडफोन्स का यूज करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर आपको इस मॉडल का हिंदी पे साउंड टेस्ट देखना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। तो चलिए ऑडियो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यार हमने आपको इसका काफी डिटेल पे ऑडियो टेस्ट करवा दिया है एंड काफी ज्यादा रिस्क भी उठाया है। मेरे हिसाब से यार अब आपको बहुत हद तक पता लग गया होगा कि इस मॉडल का जो ऑडियो में परफॉर्मेंस है वो कैसा हमें मिलता है, मतलब कि अगर आप लोग म्यूजिक लिसनर हैं तो आपके लिए क्या बढ़िया है या नहीं है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों ये टावर स्पीकर अगर आपको इंडोर पार्टी के लिए चाहिए तब के लिए काफी बेस्ट होने वाले, क्योंकि जो सबसे बेस्ट चीज लगी ना मुझे इन टावर स्पीकर पे, होने को ये 100 वॉट्स के हैं बट जो यार पावर आउटपुट एंड जो लाउडनेस हमें मिल रही है वो देख के लग नहीं रहा कि यार ये केवल 100 वॉट्स के हैं। सो लाउडनेस के लिए काफी बेस्ट होने वाले हैं। साथ में जिन लोगों को पार्टी के लिए चाहिए ना, बड़े हॉल में बजाने हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये स्पीकर काफी बढ़िया रहेंगे। मतलब कि हमारा स्टूडियो जो है वो थोड़ा छोटे साइज का है तो यहाँ पर तो दोस्तों यार हम इसकी मैक्स वॉल्यूम पर साउंड एंजॉय नहीं कर सकते, इतना मतलब ज्यादा लाउडनेस हमें मिल रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्लियरिटी की। अगर आप लोगों को यार ऐसा टावर स्पीकर चाहिए जिस पर क्लियरिटी काफी तगड़ी हो, क्रिस्टल क्लियर साउंड मिले, तो वहां पे थोड़ी सी आपको कमी मिलने वाली है। मतलब कि दोस्तों मैक्स वॉल्यूम पर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है साउंड पे, जो इसके हाईज है ना वो काफी डिस्टॉर्ट कर जाते हैं अगर आप मैक्स वॉल्यूम रखते हैं एंड ट्रेबल को भी फुल कर देते हैं। मतलब कि अगर आप इसे परचेस करते हैं तो इसके ट्रेबल को ना मिड पे रखिएगा या लो ही रखिएगा, वरना क्या होगा कि दोस्तों फुल वॉल्यूम पर ट्रेबल जो है वो काफी डिस्टॉर्ट करेंगे एंड आपको मजा नहीं आएगा, मतलब कि ऐसा लगेगा कि यार साउंड फट रहा है इसका, जो हमने भी फील करा। मतलब कि बहुत सारे ट्रैक्स में ये चीज हो रही है एंड बहुत सारे ट्रैक्स में ये चीज नहीं भी हो रही है, बट जो हमने टेस्टिंग में फील करा वो चीज मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दी है। बाकी अगर मैं मिड्स की बात करूं तो मिड्स हमें परफेक्ट मिल जाते हैं, यहां पर आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। सो म्यूजिक लिसनर के लिए मतलब अच्छा है बट
ऐसा नहीं है कि यार दी बेस्ट ऑप्शन है, आप और टावर स्पीकर्स भी देख सकते हैं। चलिए अब इसकी बेस क्वालिटी टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि यार बेस में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस हमें मिलता है, क्योंकि हमें 8 इंच के सबवूफर मिल जाते हैं। सबने टावर स्पीकर को ग्राउंड पे रखते हैं एंड उसके बाद बेस वाले ट्रैक्स प्ले करते हैं एंड देखते हैं कि यार बेस के अकॉर्डिंग भी बढ़िया है या नहीं है। लाउडनेस में तो ये पास हो गया है, अब बेस में देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस हमें मिलता है। हमने बेस क्वालिटी भी इसकी काफी डिटेल में आपको टेस्ट करवा दी है एंड मेरे हिसाब से यार अब आपको क्लियर पता लग गया होगा कि यार बेस परफॉर्मेंस इन टावर स्पीकर का कैसा हमें मिलता है। सो बेस क्वालिटी का भी एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो यार जितना इसका प्राइस है ना उस हिसाब से सफिशिएंट बेस इफेक्ट हमें मिल जाता है, मतलब कि वाइब्रेशंस भी हो जाते हैं। अगर आप ऐसे खुले टेबल में भी बजाएंगे ना इंडोर पे, तो बेस क्वालिटी आपको काफी तगड़ी मिल जाएगी। अगर आप इसे कॉम्पैक्ट एरिया में रखेंगे ना, उसके बाद तो तगड़ा ही परफॉर्मेंस हमें मिलता है, मतलब कि 50% बेस में इन्हेंस हो जाता है। सो इसे क्या है कि आप ग्राउंड पे रखिएगा एंड थोड़ा कॉम्पैक्ट एरिया में रखिएगा, उसके बाद आपको तगड़ा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, क्योंकि प्राइस 12,500 है एंड इस हिसाब से बेस क्वालिटी बढ़िया है। साथ में मुझे दोस्तों यार एक चीज और बढ़िया लगी ना, फुल वॉल्यूम पर बेस इसका डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है एंड वाइब्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो फ्लोर पूरा हमारा शेक कर रहा था, दरवाजा पूरा शेक कर रहा था, सो वाइब्रेशंस भी तगड़े हमें मिल जाते हैं। अब दोस्तों इसकी फाइनल टेस्टिंग कर देते हैं। अगर आप इस टावर स्पीकर को आउटडोर पर्पस के हिसाब से परचेस कर रहे हैं तो कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा, ये चीज आपकी क्लियर कर देते हैं। सो टावर स्पीकर को आउटडोर में लेके चलते हैं। आउटडोर में भी हमने इसका काफी डिटेल पे आपको टेस्टिंग करवा दी है एंड मेरे हिसाब से यार क्लियर आपको पता लग गया होगा कि आउटडोर में इस मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा हमें मिल जाता है। सो आउटडोर का भी एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए दोस्तों आउटडोर में जो मेन चीज होती है ना, एक तो लाउडनेस काफी बढ़िया होनी चाहिए, साथ में बेस क्वालिटी जबरदस्त होनी चाहिए। सो ये दोनों चीज हमें काफी परफेक्ट मिल जाती है यहाँ पर, मतलब आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ में नहीं आने वाली है। सो आउटडोर में आप इसे यूज कर सकते हैं, पार्टी वार्टी आपकी आराम से निपटा देगा। जो कमी है दोस्तों आउटडोर में, वो चीज मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बता देता हूँ। आउटडोर में ट्रेवल में मुझे कमी लगी है, मतलब कि मैक्स अगर आप ट्रेवल खोल देंगे आउटडोर में भी, सो क्या है कि साउंड डिस्टॉर्ट करेगा। सो ट्रेवल को क्या है कि आप मिड में रखिएगा या लो पे ही रखिएगा, उसके बाद बजाइएगा, तगड़ा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। मतलब कि हाँ, एक जो डीजे वाले स्पीकर्स होते हैं ना, उस तरीके का परफॉर्मेंस आपको आउटडोर पे मिल जाएगा। सो आउटडोर के लिए भी बढ़िया है, बेस लवर्स के लिए भी दोस्तों ये स्पीकर बढ़िया है। अगर आप लोगों को क्लियरिटी काफी अच्छी चाहिए तो आप और ऑप्शंस भी देख सकते हैं, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा। सो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको डिटेल पे ऑडियो टेस्ट करवा दिया है। बाकी दोस्तों एक जगह मुझे जरूर से कौन लगा है, इस पर हमें कोई भी लेटेस्ट कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि HDMI, ARC, ऑप्टिकल, ये चीजें इम्प्रूव करनी चाहिए थी क्योंकि प्राइस पॉइंट इसका काफी ज्यादा है। अगर ये चीज हमें मिलती तो हम इस मॉडल को टीवी के साथ कनेक्ट करके भी आपको टेस्टिंग देते, बट
बट इस पर ये चीज हमें देखने को नहीं मिली है, सो इस वजह से हमने इसकी टेस्टिंग नहीं दी है टीवी के साथ। सो आप लोग ये चीज को भी थोड़ा ध्यान पे रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ऐसा करता हूँ यार, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।